हर रोज दुनिया दे विच किन्ने लोग डॉक्टर की अणगहली कारण मारे जाते हैं। की तुसी एक अजिही मच्छी बारे जानते हो जिहड़ी मगरमच्छ नूं भी खा जाती है। हर सैकंड दे विच शराब पीण दे नाल किन्ने लोगों की मौत होंदी है। KFC का फुल फॉर्म की है। किहड़े दो इंसान जहाज तो थले नूं डिग रहे ने। इन्हां दोनों दे विचों सब तो ज्यादा बचण दे किस दे चांस हन। अजिही रोचक तत्थ जानने लई जुड़े रहो मेरे नाल। मैं हां तुहाडा जसवीर सिंह, तुसी देख रहे हो जर्नी। शार्क दुनिया का इकलौता अजिहा जानवर है जिहड़ा अपनी पूरी जिंदगी दे विच कदे भी बीमार नहीं हुंदा। उसका शरीर हर एक बीमारी दे नाल लड़ सकता है। इत्थों तक कि स्टडी दे विच ए भी पता चलिया है कि शार्क नूं कदे भी कैंसर नहीं हुंदा। जेकर तुहानूं अणजाण ते विदेशी लोकां तों डर लगदा है तां इस नूं जेनोफोबिया कहिंदे हन। जेनो इक जुनान दा शब्द है जिसका मतलब हुंदा है अणजाण जां विदेशी, ते फोबिया का मतलब डर हुंदा है। असी जिस तरह के कपड़े पाते हाँ उसका साढ़े दिमाग के उपर काफ़ी ज़्यादा असर होंदा है। 2012 की एक स्टडी के विच ए गल सामने आई है कि खास या वधिया कपड़े पाउण दे नाल साढ़े दिमाग के उपर काफ़ी ज़्यादा असर पैंदा है। इस नूं इनकलोडेशियन कहिंदे हन। असी सारिया ने ही यह पढ़िया है कि सब तो पहला क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खेडिया गया सी। पर इस तो पहला 1844 के US यानी कि अमेरिका ते कनेडा के विचकार भी एक क्रिकेट मैच खेडिया गया सी। इह किसी भी खेड का सब तो पहला इंटरनेशनल मैच सी। हुण तुहानूं मिलाउने हां एक अजिहे चोर नूं जिसने अपनी ही फोटो पुलिस नूं भेज दित्ती सी। अपनी एक वधिया फोटो पुलिस नूं मैसेज कर दित्ती ते नाल ही इसने पुलिस नूं इह भी मैसेज कीता कि इस दे अरैसट वारंट दे उपर इस दी नवीं फोटो ही लगाई जावे। कि तुसीं जाणदे हो एक अजिही मच्छी भी है जिहड़ी इंसानां दे नाल नाल मगरमच्छ नूं भी खा सकदी है। इस मच्छी दा नां है टाइगर फिश। इह ज़्यादातर अफ्रीका दे विच पाई जाती है। इस मच्छी नूं बाकी सारियां मच्छियां तों काफ़ी वड्डा ते खतरनाक मन्निया जाता है। इह मिठे पानी दे सब तों वड्डियां मच्छियां दे विचों इक है ते अफ्रीका दे लोक इस दे सामने आउण तों बहुत ज़्यादा डरदे हन। की तुसीं कदे बीयर दीयां बोतलां तों बणिया होया घर देखिया है? 1963 दे विच एल्फ्रड ने अजिहाई बीयर दीयां बोतलां तों बणिया होया इक घर बनाया। इह अजिहियां बीयर दीयां बोतलां सन जिन्हां नूं घर बनाउण दे लई वरत्या जा सकदा सी। इन्हां नूं बोबो कहा जांदा सी। इह बोतलां बीयर दे बर्तन तों वध गरीब देशां दे विच भेज दित्तियां जांदियां सन तां कि उत्थों दे लोक घट पैसिआं दे विच अपना घर बना सकण। इस आलणे नूं किसे आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि एक वैस्प नाम दे पंछी ने बनाया है। एक एक्सपैरीमेंट दे दौरान इन्हां सारे पंछियों नूं रंग बिरंगे पेपर दिते गए। इन्हां सारे पेपरां नूं मिला के एक रेनबो वर्गा आलणा बना दिता। अजिहे बहुत सारे जानवर हन जिहड़े एक दूजे दे नाल भावनात्मक तौर ते जुड़े हुंदे हन ते इन्हां सारे जानवरां दे विचों एक है हाथी। रिसर्च दे विच इह चीज पता लगी है कि हाथी एक दूजे नाल गल्लां करदे हन ते दोस्ती करदे हन। इत्थों तक कि एक दूजे दे मृतक शरीर जाणी कि एक दूजे दी डेड बॉडी नूं भी दफनाउंदे हन। टेबल बीयर 1970 दे विच बहुत ज़्यादा पापूलर होया सी। इह इक अजिही बीयर सी जिस दे विच बहुत घट शराब सी। इस नूं बनाउण वाली कंपनी ने कहा सी कि शराब ना पीण वाले लोग भी इस बीयर नूं पी सकदे हन ते उन्हां ने नाल इह भी कहा सी कि इह बीयर किसी की सेहत नूं नुकसान भी नहीं पहुँचाएगी। उस समय बीयर इन्नी ज़्यादा मशहूर हुई कि उस समय स्कूल के बच्चों नूं लंच बॉक्स दे विच भी इह बीयर दित्ती जांदी सी। बाद दे विच रिसर्च करन वाले ने दस्सिया कि इह बीयर बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेहतमंद नहीं है। जिस तों बाद सरकार ने इस नूं बैन कर दिता ते उस तों बाद इकदम ही इस बीयर की पापूलैरिटी दे विच भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई। हालांकि यह बीयर अज भी मार्केट के मिलती है पर लोग हम इस पीते नहीं बल्कि इस खाने के कुकिंग के तौर पर वरतते हैं। दुनिया के अजिहे बहुत सारे केस होंगे ने जिथे डॉक्टर की अणगहली के कारण मरीज मर जाते हैं। तुहानू दस दिंदे हां कि पूरी दुनिया के गलती करने अमेरिका के डॉक्टर सब तो पहले नंबर पर आते हैं। हाँ जी, यह गल बिल्कुल सही है। हर साल अमेरिका के 2.5 लाख लोग मैडिकल एरर के कारण अपनी जिंदगी तो हाथ धो बैठते हैं। अमेरिका वर्गी डेवलप कंट्री के भी मैडिकल एरर इंसानों की सेहत के लिए बड़ा खतरा है। कैसबरी का मीट इन्ना ज़्यादा हार्ड या कही सख्त होंदा है। इसनों खाना तो बहुत दूर की गल है, तुसी इसनों पका भी नहीं सकते। कहा जाता है कि जेकर तुसी कैसबरी का मीट खाना है तो एक अग के उपर पत्थर और इसके मीट को इकट्ठे रख दो ते जदों पत्थर गर्मी के नाल नरम हो जाएगा उस समय तुसी समझ सकते हो कि कैसबरी का मीट हुण खाण योग हो गया है। बिजनेस के लोगों को अपने वाल खिंचन के लिए अलग अलग तरीके वरते जाते हैं। जिमें कि तुसी हाल ही दे विच देखा होगा कि स्नीकरस के पैकेट के दो स्नीकरस होंदे हैं, पर जेकर तुसी ध्यान दे नाल देखोगे तो स्नीकरस के पैकेट के विच इह दो स्नीकरस नहीं बल्कि डेढ़ स्नीकरस होंदे हैं। भाव कि सानू मूर्ख बनाउण दे लई इन्हां नूं इस तरह पैक किया जाता है। शराब पीना साडे लोकां दे विच अजकल आम बन गया है पर इस नूं पीना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हर 10 सैकंड के विच इक शराबी की मौत हो जाती है। जिमें जंगल का राजा शेर हुंदा है इस तरह भेड़ा का भी एक लीडर हुंदा है ते इसे तरह ही मधुमक्खियों की भी एक राणी हुंदी है। इस राणी नूं शक्तिशाली ते तकड़ा बनाउण दे लई दूजियां मधुमक्खियां एक स्पैशल तरह के शहद नूं तैयार करके इस नूं दिंदियां हन। की तुसी अजिहे बूट देखे ने जिहड़े तुहाडे हिसाब दे नाल अपना रंग बदल लैंदे हन? असल दे विच इह बूट ओरिजिनल नाइकी दे नहीं हन बल्कि इन्हां नूं मॉडिफाई किया गया है। इस लड़के वल्लों इन्हां बूटां नूं मॉडिफाई किया गया है। इस दे अंदर बैटरियां ते LED लगा के
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕੰਕਰੀਟ ਵਰਗਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ KFC ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ KFC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰਬੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ KFC ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਯੂਨ ਚਾਈਨਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। KFC ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕੈਂਟਕੀ ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ KFC ਦੇ ਲੋਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ KFC ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਤੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।